अस्सलाम वालेकुम, बावन टीवी के साथ मैं हूं नबीला अजीज। सबसे पहले बावन की हेडलाइंस। ननकाना साहब मलिक जाफर ब्यूरो चीफ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक इंसदादे स्मोक के पेश नज़र ननकाना साहब में ज़िले इंतजामिया पूरी तरह मुतहरक नजर आ रही है। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद समेत मुतालिका अफसरान की मुख्तलिफ इलाकों की चेकिंग जारी है। स्मोक एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, लाखों रुपये जुर्माना आयद। डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद ने इंसदादे स्मोक के सिलसिले में ज़िला भर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया। उनका कहना था स्मोक से बचाव के लिए बामनास को ज़िले इंतजामिया के साथ भरपूर तआवुन करके अहम किरदार अदा करना होगा। स्मोग के पेश नज़र हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा। स्मोग का बाइस बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतालिका अफसरान जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। अवामुल नास माहौलियाती आलूदगी और स्मोग से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। स्मोग का सबब बनने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 1 अगस्त से अब तक 288 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, 121 भट्टा जात और 57,222 गाड़ियों को चेक किया गया। 18 ईंटों के भट्टे, 16 इंडस्ट्रियल यूनिट्स और 655 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को सील किया गया। स्मोग का बाइस बनने वाले 103 अफराद के खिलाफ मुतालिका थानों में FIRs का इंदराज करवाया गया, जबकि 42,17,000 रुपये से ज़ायद जुर्माने भी आयद किए गए हैं।